हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग नॉर्मल सा आप लोगों के जो कीबोर्ड है, नॉर्मल सा इस कीबोर्ड को एक आरजीबी कीबोर्ड बनाने वाले हैं गाइस, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं ये आरजीबी कीबोर्ड बनने के बाद कैसा लगता है। एंड 50 रुपये का बजट है गाइस, 50 रुपये के अंदर में इसको कोशिश करेंगे एक अच्छा आरजीबी कीबोर्ड बनाने का। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले तो इसको आरजीबी बनाने के लिए इसके सारा कीज को बाहर निकालना है। कीज बाहर निकालने का एक टूल आता है, बट वो मेरे पास है नहीं, तो मैं उसके लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करूँगा। स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से सारा कीज को आगे सबसे पहले बाहर निकालूंगा। देन गाइस कीज बाहर निकालने से पहले आप लोगों को एक पिक्चर ले लेना है इसका, जैसे कि लगाने के टाइम कोई दिक्कत ना आए। देन गाइस मैं इसके सारा कीज को सबसे पहले निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। तो भाई सारे बटन्स हम लोग निकाल लिए एंड इसको भी साफ कर लिए थोड़ा बहुत। देन गाइस उसके बाद आप लोग को अब लगेगा आरजीबी लाइट लगाने के लिए लाइट लगेगा, तो हम लोग ये लाइट का यूज़ करने वाले हैं। तो भाई ये मार्केट से मैं ख़रीद लिया हूँ, 30 रुपये का पड़ा ये मेरे को। तो भाई ये इस पर फिट करने के लिए सबसे पहले तो इसको साइड में रखते हैं, एंड सबसे पहले तो इसको पीछे से सारा का सारा नट्स को खोल लेना पड़ेगा। तो भाई फटाफट से करते हैं, आप लोग इन्जॉय कीजिए वीडियो। तो भाई ये कीबोर्ड का सारा डिसेंबल करने के बाद हम लोग को लाइट को इसमें फिट कर लेना है कि कहाँ कैसे करके आप लोग को लाइट लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग लाइट यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो भाई हम लोग सब यहाँ पर लाइट सारा का सारा लगा दिए हैं, जैसे कि देख सकते हो वो स्ट्रिप लाइट को अच्छे से यहाँ पर माउंट करके लगा दिए हैं दो लाइन में। देन उसके बाद यहाँ पर पीछे से इसका वायर निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले इस पर सारा का सारा कीस लगा के इसको कंप्लीट कर दे, उसका बाद इसका वायरिंग वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो भाई हम लोग का ये कीबोर्ड बन के रेडी हो गया, हम लोगों ने फिट कर दिया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक वायर निकला है जो कि वो लाइट का है। गैस मेरे पास कोई भी केबल वगैरह मतलब केबल सॉकेट नहीं था, इसी की वजह से मैं वायर यहाँ पर निकाल दिया हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिखाने के लिए। बट आप लोग इसको इस यहाँ पर इसके थ्रू से एक ही साथ वायर को ला सकते हैं। एंड इसके लिए इसको आरजीबी की तरह चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक चार्जर, जो कि मैं ये चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि देख सकते इसका आउटपुट है 12 वोल्ट 2 एम्पियर। तो कोई भी आपको 12 वोल्ट का 2 या 3 एम्पियर का चार्जर यूज़ कर लेना है, इसके साथ लगा देना है। हम लोग का बन के रेडी हो गया है। तो अब आप लोगों को इसका सैंपल दिखा देते हैं किस तरह से ये दिखता है आरजीबी जलने के बाद। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। एंड हम लोग का ये आरजीबी कीबोर्ड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।